हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक। दिस इज आवर पार्ट 6। पांच पार्ट इसके पहले हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आप लोगों ने वीडियोस भी देखे होंगे, बहुत सारे स्टूडेंट के क्वेश्चंस भी आए थे, ठीक है ना। तो ये हमारा पार्ट 6 है, जिसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, बाकी के जो एमसीक्यूज क्वेश्चन रह गए थे हमारे पीडीएफ वाले, उसको सॉल्व करेंगे। जो कि कौन से क्वेश्चन है हमारे, वन मार्क क्वेश्चन, एक नंबर वाले क्वेश्चन, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है फॉर द कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी एज वेल एज फॉर द नॉलेज, ठीक है। चलिए, तो पार्ट 6 है ये। पांच पार्ट में कंप्लीट कर चुका हूं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो फटाफट उनको देख लो, ठीक है, और तभी आपको पार्ट 6 जो है समझ में आएगा। पार्ट 5 के अंदर हम लोगों ने एमसीक्यूज के चार सेट खत्म कर लिए थे, है ना। चार सेट वी हैव कंप्लीटेड, फोर सेट्स आर वी हैव कंप्लीटेड टिल पार्ट 5 ऑफ आर सीरीज। दिस इज पार्ट 6 फॉर द राजस्थान बोर्ड एग्जामिनेशन 2023 फॉर द सब्जेक्ट केमिस्ट्री। और हमारा क्या चल रहा है, Q&A सेशन चल रहा है। तो स्टार्ट करते हैं सेट नंबर 5, फर्स्ट क्वेश्चन। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे, फर्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। मैंने आपको कहा था कि जब भी हम लोग शी की बात करेंगे, शी का मतलब हो गया स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, तो उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमेशा जीरो होता है, याद रखिएगा, ऑलवेज जीरो, ऑलवेज जीरो, कोई डाउट नहीं है इसके अंदर, हमेशा जीरो होता है, ठीक है ना। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन, इसमें आपको किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल शी का हमेशा क्या होता है जी, जीरो होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे आपको एक रिएक्शन दे रखी है 1/2 dNH3/dt। इन द रिएक्शन N2+3H2 गिव्स अप 2NH3 रिप्रेजेंट्स। तो इस रिएक्शन के अंदर ये जो आपकी रिएक्शन लिखी हुई है, इसके अंदर ये चीज किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, है ना। तो रेट ऑफ डिसोसिएशन ऑफ अमोनिया, रेट ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ N2, रेट ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ H2, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। तो डी विल बी द राइट आंसर। देखिए, ये प्रोडक्ट साइड हुआ कि नहीं हुआ, प्रोडक्ट साइड के अंदर हमेशा फॉर्मेशन ही होता है, इसलिए ये चीज क्या बता रही है आपको, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, ठीक है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन था ये भी, ज्यादा दिमाग आपको उसमें लगाना भी नहीं था, आपको बस आंसर करना था। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। द एक्टिवेशन एनर्जी इन द केमिकल रिएक्शन डिपेंड्स ऑन, किसी भी केमिकल रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी किस पर डिपेंड करती है। दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। तो जनरली डिपेंड करती है किस पर, ये करती है नेचर ऑफ रिएक्टेंट पे, ये भी आप ध्यान रखिएगा। अगर रिएक्टेंट की एक्टिवेशन एनर्जी कम है, सुनिएगा ध्यान से, अगर रिएक्टेंट की एक्टिवेशन एनर्जी कम है तो वो तुरंत क्या बनाएगा बताइए, तुरंत बनाएगा प्रोडक्ट, मतलब तुरंत रिएक्शन प्रोसीड करेगा। लेकिन अगर उसकी एक्टिवेशन एनर्जी कम है तो ऑब्वियसली बात है कि उसमें थोड़ा सा आपको क्या लग सकता है, टाइम लग सकता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, क्रायोलाइट इज एन ओर ऑफ। क्रायोलाइट किसका ओर है, हमारे अर्थ क्रस्ट में बहुत सारे ओर्स मिलते हैं जिससे हम अलग अलग टाइप के मेटल्स जो हैं वो एक्सट्रैक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि सपोज कर हम गैलेना की बात करें, गैलेना, तो गैलेना से हमको क्या मिलता है, पीबी मिलता है। मतलब अगर आपको पीबी को एक्सट्रैक्ट करना है, लेड को, तो उसका जो बेस्ट ओर है जो अपन जनरली एक्सट्रैक्ट करते हैं फ्रॉम दैट ओर, दैट इज गैलेना। इसी तरह से बहुत सारे ओर्स होते हैं जिनसे हम लोग अलग अलग टाइप के मेटल्स एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो क्रायोलाइट जो ओर है वो उसका अपन यूज किस चीज के लिए करते हैं, किस चीज, कौन से मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए करते हैं, ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो इसको करते हैं अपन एल्यूमिनियम के लिए, है ना। बॉक्साइट का यूज भी हम लोग एल्यूमिनियम के एक्सट्रैक्शन के लिए ही करते हैं, सिमिलरली क्रायोलाइट भी जो है वो एल्यूमिनियम के एक्सट्रैक्शन के अंदर ही काम आता है। तो छोटे छोटे पॉइंट्स है जो आपको याद रखने हैं एमसीक्यू क्वेश्चन के अंदर, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फाइव बड़ा ही सिंपल है। द शेप ऑफ अमोनिया मॉलिक्यूल इज, अमोनिया मॉलिक्यूल का शेप, यानी कि सेंटर में नाइट्रोजन, 3 हाइड्रोजन इस तरह से, और ऊपर क्या है, लोन पेयर। तो इसकी, ये जो मैंने आपको बनाया है, इसको देख के कोई भी बता सकता है इसका शेप कैसा हो जाएगा, पिरामिडल। तो डी विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 6, विच फैक्टर इज मोर इफेक्टिव इन द प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन फ्रॉम एल्कोहल बाय Al2O3। मतलब इन चारों में से वो कौन सा फैक्टर है जिसके कारण एल्कीन को हम बना सकते हैं एल्कोहल से इन द प्रेजेंस ऑफ Al2O3। तो कितना, देखो, बढ़िया घुमा के क्वेश्चन पूछा है।
लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर आप चाहते हो कि आप अल्कोहल से एल्किन बनाएं तो आपको H2O को रिमूव करना पड़ेगा, ठीक है। और H2O को रिमूव करने के लिए हमको टेम्परेचर की ही आवश्यकता पड़ती है। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर इजिली बॉन्ड्स को ब्रेक कर सकता है, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन जो है रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देता है, सरफेस एरिया जो है वो रिएक्शन को और जल्दी कराएगा, और पोरोसिटी का मतलब ये हो गया कि और रिएक्ट और अल्कोहल को जोड़ो और क्या नाम से एल्किन बनाओ, ठीक है, इस तरह से चीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर्मेल्डिहाइड ऑन रिएक्टिंग विद अमोनिया गिव्स, अगर आपने फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्शन अमोनिया से करवा दी तो आपको इन चारों में से क्या मिलेगा। तो याद रखिएगा, जब भी आप फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्शन करवाते हो अमोनिया के साथ में, तो आपको एक ही चीज़ मिलती है जो कि एक पॉलीमर भी है और एक इम्पॉर्टेंट कंपाउंड है हमारे डेली लाइफ का, दैट इज़ यूरोट्रोपिन। बहुत सारे स्टूडेंट को ये चीज़ नहीं पता है, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि जब भी आप फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्शन अमोनिया से करवाते हैं तो आपको यूरोट्रोपिन ही मिलता है, ठीक है, ठीक है। तो जिन लोगों को यूरोट्रोपिन के बारे में नहीं पता, मैं आपको बता देता हूँ, जैसे थोड़ा सा मैं यहाँ पे स्पेस ले लेता हूँ। हाँ, इधर देखिए, तो सपोज कीजिए आपके पास में फॉर्मेल्डिहाइड HCHO, इसकी रिएक्शन आपने करवाते किसके साथ में, अमोनिया के साथ में। तो जैसे ही आप फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्शन अमोनिया से करवाते हैं तो आपको मिलता है यूरोट्रोपिन, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, जिसका फॉर्मूला होता है CH2 का होल 6 और N4। दिस इज योर यूरोट्रोपिन, याद रखिएगा, आपको भूलना नहीं है, यूरोट्रोपिन, ठीक है। ये चीज NCERT में भी जो है काफी कम लिखी हुई है, इसलिए मैंने आपको बता दिया, क्योंकि क्वेश्चन कई बार पूछ लेते हैं, क्योंकि हमारे चैप्टर के अंदर एल्डिहाइड वाला चैप्टर है ना, एल्डिहाइड वाले चैप्टर के अंदर रिएक्शंस है, केमिकल रिएक्शंस, तो फॉर्मेल्डिहाइड की केमिकल रिएक्शन हो गई, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन ट्रीटमेंट विद मिथाइल अल्कोहल ग्लूकोज गिव्स, अगर मैंने मिथाइल अल्कोहल यानी कि CH3OH की रिएक्शन अगर ग्लूकोज से करवा दी तो मुझे क्या मिलेगा, ठीक है ना। तो जब भी आप मिथाइल अल्कोहल की रिएक्शन ग्लूकोज से करवाएंगे तो आपको एक ही चीज मिलेगी, और वो क्या है, मिथाइल ग्लूकोसाइड, और दोनों टाइप के मिलेंगे, मतलब आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा मिथाइल ग्लूकोसाइड, ठीक है। और मिथाइल ग्लूकोसाइड दो प्रकार का होता है, अल्फा और बीटा, तो आपको ए भी मिलेगा और बी भी मिलेगा आपको, यानी कि सी विल बी द राइट आंसर, ठीक है जी। तो सी विल बी द राइट आंसर, क्योंकि अल्फा और बीटा दोनों प्रकार के हमको क्या मिल जाएंगे, मिथाइल ग्लूकोसाइड मिल जाएंगे, ठीक है। केवल नाम याद रख लो, ज्यादा कंफ्यूज मत होना, वरना जो है आपको दिक्कत आ सकती है एंड टाइम पर, है ना, एंड टाइम पे अपन ज्यादा लोड नहीं ले सकते, ठीक है, इसको मिटा देता हूं मैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, 9th क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज एन ऑप्टिकल आइसोमर, इन चारों में से किस कौन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है, ठीक है ना। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को कोई एक ही शो कर सकता है, जनरली आप ध्यान रखिएगा, ऑप्टिकल आइसोमर्स वही कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स शो कर सकते हैं जो कैसे हो, बाइडेंटेट हो, मतलब 99% केस के अंदर जो आपके बाइडेंटेट लिगेंड्स होते हैं, बाइडेंटेट का मतलब क्या हुआ, जिनके पास दो डोनर एटम्स होते हैं, वही केवल ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकते हैं। तो देखिए, तो यहां पे देखिए EN, EN, EN और यहां पे EN, ठीक है। तो डी वाले कंपाउंड में केवल EN है, EN का मतलब क्या हो गया, इथिलीन डायमीन, है ना, वो भी तीन है, यहां पे एक NH3 हो गया, तो ज्योमेट्रिकल हो जाएगा, यहां पे दो EN है, पॉसिबल नहीं है, सेम हो जाएगा, आइडेंटिकल हो जाएगा, यहां पे चार H2O है, ठीक है, तो ये कैसा हो जाएगा, ज्योमेट्रिकल हो जाएगा, ठीक है। अगर बाइडेंटेड लिगेंड की क्वांटिटी कम है तो ज्योमेट्रिकल, और अगर केवल बाइडेंटेड लिगेंड है तो क्या हो जाएगा आपका, ऑप्टिकल, दैट्स व्हाई डी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। तो इन छोटी मोटी चीजों से आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को इजिली सॉल्व कर सकते हैं विदाउट एनी स्ट्रेस, विदाउट एनी डिफिकल्टी, ओके। तो ये हमारे हो गए MCQs, मूव करते हैं फिल इन द ब्लैंक्स पे, ठीक है जी। तो ये आ गए हमारे फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन, बाय वर्ड्स रिएक्शन इथाइल क्लोराइड कन्वर्टेड इनटू, अगर आपने वर्ड्स रिएक्शन करवाया तो इथाइल क्लोराइड किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, जल्दी बताइए, इथाइल क्लोराइड कन्वर्ट हो जाएगा, इथाइल क्लोराइड का मतलब क्या हुआ, C2H5Cl, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, C2H5 बॉन्ड C2H5, इसको अपन क्या बोलते हैं, ब्यूटेन, तो ये ब्यूटेन में कन्वर्ट हो जाएगा जी, ठीक है। रिएक्शन करवा के देख लेना, अपन ने बहुत बार पढ़ा है,
तो इसमें तो आई थिंक इसमें आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए और ये तुरंत हो जाना चाहिए आपसे। क्वेश्चन नंबर टू, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड, मतलब अगर आपने फॉर्मेल्डिहाइड को पानी में डिजोल्व किया तो उसको क्या बोलते हैं? उसको कहते हैं जी हम लोग फॉर्मेलिन। फॉर्मेलिन है ना, 40% के आसपास ही होता है सॉल्यूशन होता है फॉर्मेलिन का, और 40% फॉर्मेलिन का यूज करते हैं बॉडीज को प्रिजर्व करने में। मतलब कोई भी अगर बायोलॉजिकल बॉडी है, चाहे वो किसी की हो सकती है, जरूरी नहीं ह्यूमन की हो, चाहे सांप हो, बिच्छू हो, मछली हो, बंदर हो, सुअर हो, कुछ भी हो, है ना, उन सबको अगर आपको प्रिजर्व करना है लॉन्ग टाइम के लिए, ठीक है, तो हम लोग फॉर्मेलिन का यूज करते हैं, क्योंकि फॉर्मेलिन क्या करता है? ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करता है, जिससे कि बॉडी डिकम्पोज नहीं होती, है ना। तीसरा क्वेश्चन, बॉक्साइड इज एन ओर ऑफ एल्यूमिनियम, है ना, अब तो याद हो ही जाना चाहिए, रट गया होगा अब तक तो आप लोगों को। चौथा, द बेसिसिटी ऑफ H3PO3। पहली बात तो ये बताइए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बेसिसिटी। बेसिसिटी का मतलब ये होता है कि जब आपने किसी भी कंपाउंड को पानी में डिजोल्व किया तो उसने कितने OH माइनस रिलीज किए, ठीक है ना, ध्यान रखिए इस चीज को। बेसिसिटी का मतलब ये होता है कि किसी भी कंपाउंड को जब आपने वाटर में डिजोल्व किया तो उसने कितने OH माइनस आयंस रिलीज किए, उसके बिहाफ पर उसकी बेसिसिटी डिफाइन की जाती है। तो जब आप H3PO3 को, सुनिएगा ध्यान से, जब आप H3PO3 को वाटर में डिजोल्व करेंगे तो ये आपको क्या देगा? 2 OH- दे देगा, इसलिए H3PO3 की बेसिटी कितनी होती है बताइए? 2 हो जाएगी, ठीक है। आप 2 को ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर एग्जाम में आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, तो जैसे आपकी मर्जी वैसे लिख दीजिए, लिखना जरूरी है। आते हैं जी वेरी शॉर्ट टाइप में। पहला क्वेश्चन, व्हाट डज द रेट ऑफ रिएक्शन, व्हाट डज द रेट ऑफ रिएक्शन नॉट रिमेन कॉन्स्टेंट थ्रू आउट द रिएक्शन प्रोसेस, ठीक है। तो कोई भी जो रिएक्शन की रेट है वो कॉन्स्टेंट कब नहीं रह सकती, ये पूछ रहा है आपसे, तो कब वो कॉन्स्टेंट नहीं रह सकती, ठीक है ना। तो एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आपने टाइम बढ़ा दिया, ठीक है ना, अगर आपने टाइम बढ़ा दिया तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? डिक्रीज कर जाता है, ठीक है ना। यानी कि अपन क्या लिख सकते हैं यहां पे आंसर, रेट ऑफ रिएक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। मतलब अगर आपने टाइम बढ़ाया तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? डिक्रीज कर जाएगा। इसलिए कहते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो टाइम डिपेंडेंट होता है। अगर टाइम में आपने फ्लक्चुएशन किया तो आपको रिएक्शन की रेट एप्रोप्रिएट नहीं मिल पाएगी, जिसकी आप लोग क्या कर रहे थे, उम्मीद कर रहे थे, ओके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, डिफाइन रेट ऑफ रिएक्शन। अब ये पता नहीं कैसा अजीब गरीब क्वेश्चन है, पता नहीं कितनी बार तो आ गया है ना। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, ये आप बताएंगे मुझे, क्या होता है रेट ऑफ रिएक्शन? दैट इज, वीडियो को पॉज करके भी लिख सकते हैं आप, मैं लिख रहा हूं, चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या फिर और प्रोडक्ट एट अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड, ठीक है। तो रिएक्टेंट या फिर प्रोडक्ट, इन दोनों की कंसेंट्रेशन में जो चेंज होता है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, उसे अपन कहते हैं उसकी रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन और बड़ा ही वाहियात क्वेश्चन, बिल्कुल मजा नहीं आया पढ़ने में। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है SF6 इज काइनेटिकली इनर्ट, मतलब SF6 जो होता है जल्दी से किसी रिएक्ट नहीं करता, और जो लोग रिएक्ट नहीं करते ना उसको हम कहते हैं कि वो इनर्ट नेचर के हैं। तो ये इनर्ट होता है, क्यों इनर्ट होता है ये आपको बताना है, ठीक है। तो SF6 जो है वो इनर्ट इसलिए होता है, और ये क्वेश्चन कौन से चैप्टर में से है? ये है पी ब्लॉक में से, ठीक है। तो पी ब्लॉक के अंदर आपको ऐसे ही वाहियात क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, थोड़े मतलब रीजन वाले वाहियात तो नहीं कह सकते, अपन थोड़े से सोचने वाले कह सकते हैं, आपको थोड़ा सा उसमें थिंकिंग एबिलिटी लगानी पड़ेगी। तो SF6 जो होता है वो इनर्ट क्यों होता है आप बताइए मुझे। तो जब भी अपन SF6 की बात करते हैं तो SF6 जो होता है वो कैसा होता है? वो स्टेरिकली स्टेबल होता है, ठीक है ना, स्टेरिकली स्टेबल होता है। अगर अब मैं SF6 को ड्रॉ करूं तो देखो कैसे बनाऊंगा, सेंटर में सल्फर बनाऊंगा, एक एफ यहां पर, एक एफ यहां पर, एक एफ यहां पर, एक एफ यहां पर, एक ऊपर और एक इस तरह से नीचे। तो SF6 जो शेप होती है, इसकी शेप होती है ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल।
और ऑक्टाहेड्रल जितने भी कंपाउंड होते हैं ना वो सब स्टेरिकली स्टेबल होते हैं, और कई बुक्स में लिखा होता है स्टेरिकली स्टेबल या फिर प्रोटेक्टेड। प्रोटेक्टेड मतलब स्टेरिकली इनको कोई खतरा नहीं है, क्योंकि सारे के सारे फ्लोरीन जो है सिमेट्री के अंदर है, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के अंदर मेंटेन किए हुए है, इसलिए मोस्ट स्टेबल कंपाउंड माना जाता है SF6 का। अब जब FF6 जब आपका SF6 वैसे ही स्टेबल है तो क्यों ये किसी के साथ जाकर रिएक्ट करेगा? इसलिए कैसा होता है, ये इनर्ट होता है। तो सारे हिंट मैंने आपको कर दिए हैं, लिखना आपकी जिम्मेदारी है। क्वेश्चन नंबर 4, ओजोन, O3 की बात चल रही है यहां पे। ओजोन एक्ट एज अ पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्यों? तो ये भी पी ब्लॉक का क्वेश्चन आ गया। तो ओजोन जो है एक पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्यों है? ड्यू टू द रिलीज ऑफ नेसेंट ऑक्सीजन। ओजोन जो होता है वो तुरंत नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज कर देता है, इसलिए ये एक पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। यानी कि अगर मैं ओजोन का डीकम्पोजिशन करवाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा? ऑक्सीजन, और साथ में एक नेसेंट अकेला ऑक्सीजन, और यही जो है गेम कर जाता है, मतलब यही क्या करता है, ऑक्सीडेशन करता है। ठीक है, याद रहेगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, हाउ वुड यू ऑब्टेन एसिटोफिनोन फ्रॉम फिनॉल? आप फिनॉल से एसिटोफिनोन कैसे बनाएंगे? बहुत सिंपल है, कौन सी बड़ी बात है इसके अंदर? अगर मुझे एसिटोफिनोन बनाना है, वो भी किससे? फिनॉल से। तो पहली बात तो मैंने क्या सिखाया आप लोगों को, हमेशा आप दोनों का स्ट्रक्चर बनाइए। अगर आपने स्ट्रक्चर बना लिया तो आई डोंट थिंक सो कि फिर आपको कोई दिक्कत आने वाली है। तो रिएक्शन करते हैं ना, तो हमारे पास में क्या है, फिनॉल है जो दिखने में ऐसा होता है। सबसे पहला काम कीजिए, आप फिनॉल के अंदर डाल दीजिए जिंक, जिससे क्या होगा, आपको बेंजीन मिल जाएगा। अपन ने पढ़ा था ना फिनॉल की रिडक्शन रिएक्शन, आप फिनॉल को कैसे रिड्यूस करवाओगे, तो जिंक डाल के करवाएंगे, सिंपल सी बात है ना। अब ये जो आपको बेंजीन मिला है ना, इस बेंजीन का आप करवाइए एसाइलेशन, किसकी प्रेजेंस में? CH3COCl और AlCl3 के प्रेजेंस में। तो क्या होगा, बेंजीन के किसी भी एक पोजीशन पे C डबल बॉन्ड OCH3 जाके जुड़ जाएगा, और इसे अपन क्या बोलते हैं, एसिटोफिनॉल बोलते हैं जी। ठीक है, तो इतना ही फास्ट आपका दिमाग चलना चाहिए अगर आप चाहते हैं कि मेरा पेपर बाकी उसे जल्दी हो। कम से कम 10 से 15 मिनट पहले पेपर खत्म कर लीजिएगा। मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे कि 10 से 15 मिनट पहले कम से कम अपना पेपर जरूर खत्म कीजिएगा, ताकि आप चेक कर सके, एक बार पूरे पेपर को गो थ्रू कर सके, कहीं आपने मिस्टेक तो नहीं कर दी। ठीक है ना, मिस्टेक करने का, ताकि सुधारने का सॉरी आपको टाइम थोड़ा सा मिल जाए। तो जब आप फास्ट करेंगे, जब आप दूसरों से फास्ट करेंगे, तभी तो आप दूसरों से आगे रह पाएंगे, आपका पेपर जल्दी खत्म हो पाएगा, है ना। ये इसमें छोटा सा क्या होता है, लॉजिक होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव करते हैं। द CO बॉन्ड इज मच शॉर्टर इन फिनॉल देन इथेनॉल, गिव रीजन। तो ये तो आई थिंक हमने किया भी था कि फिनॉल के अंदर जो CO बॉन्ड होता है वो कैसा होता है, वो sp2 हाइब्रिडाइज होता है। और sp2 हाइब्रिडाइज का मतलब क्या हो गया कि आपको वहां पर क्या मिलेगा, आपको वहां पर मिलेगा डबल बॉन्ड। और इथेनॉल के अंदर कौन सी जो CO बॉन्ड है वो कैसा है, उसमें कार्बन कैसा है, उसमें कार्बन है sp3 हाइब्रिडाइज, यानी कि सिंगल बॉन्डेड। तो फिनॉल का कार्बन है sp2 हाइब्रिडाइज, लेकिन अल्कोहल का जो कार्बन है वो कैसा है, sp3 हाइब्रिडाइज। तो आपको पता ही है कि sp2 जो होता है वो sp3 से शॉर्टर होता है ना, सिंपल चीज है। ये अपन ने पहले भी डिस्कस किया था, आपको मालूम होगा, जो लोग मेरा वीडियो ध्यान से देख रहे होंगे उनको जरूर पता होगा कि हमने क्या किया था। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, हाउ मेनी मिथाइल अमीन बी प्रेफरेंशियली कन्वर्टेड टू मिथाइल आइसोसाइनाइड? हाउ मेनी नहीं, सॉरी हाउ मे है, मैंने गलत रीड कर लिया इसको, हाउ मे मतलब हम मिथाइल अमीन को मिथाइल आइसोसाइनाइड में कैसे कन्वर्ट करें, यानी कि हम CH3NH2 को CH3NC में कैसे कन्वर्ट करें, ये मतलब क्वेश्चन यहाँ पे पूछने की कोशिश कर रहा है। तो बहुत सिंपल है ना, यहाँ पे जो अपन मेथड यूज करेंगे उसमें क्या बोलते हैं, उसको अपन कहते हैं जी कार्बिल अमीन रिएक्शन। कार्बिल अमीन रिएक्शन एक नेम रिएक्शन है, सबको याद होनी चाहिए, बार बार मैं नहीं कहूंगा, अगर आपने छोड़ी तो बहुत पछताओगे अगर क्वेश्चन आ गया तो, है ना।
तो कार्बोरामिन रिएक्शन में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग दो चीजें यूज करते हैं, एक तो अपन यूज करते हैं क्लोरोफॉर्म CHCl3, और अपन साथ में क्या यूज करते हैं, बेस जैसे कि KOH वगैरह, तो क्या करता है आइसोसैनेट बना देता है। ओके ध्यान रखिएगा, तो कभी भी अगर आपको एमीन को आइसोसाइनाइड NC में कन्वर्ट करना हो, NH2 को अगर आपको NC में कन्वर्ट करना हो, तो आपको कार्बोलेमिन रिएक्शन ही उसमें लिखनी चाहिए। और एक बात मैंने और बताई थी आपको पहले भी जब मैं पढ़ा रहा था कि कार्बिलेमिन रिएक्शन इज द बेस्ट मेथड, सुनिएगा ध्यान से, आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ, कार्बिलेमिन रिएक्शन इज अ बेस्ट मेथड फॉर द कंफर्मेटरी टेस्ट ऑफ प्राइमरी एमीन्स। तो प्राइमरी एमीन का जो कंफर्मेटरी टेस्ट है वो कार्बिलेमिन टेस्ट है, ठीक है ना। कभी मौका मिलेगा तो मैं टेस्ट का वीडियो भी अपलोड कर दूंगा ताकि आपको मालूम पड़ जाए, है ना। तो ये प्राइमरी एमीन की कैटेगरी में ही रखा जाता है। आगे बढ़ते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। विच कंपोनेंट ऑफ स्टार्च इज ए ब्रांच्ड पॉलीमर ऑफ अल्फा ग्लूकोज एंड इनसॉल्युबल इन वाटर। तो देखिए मैंने आपको बार बार कहा है जब अपन पॉलीमर पढ़ रहे थे कि स्टार्च जो होता है ना दो चीजों से मिलकर बनता है, मतलब दो अलग अलग कंपोनेंट से मिलकर बनता है। एक तो होता है आपका एमाइलोज और एक होता है आपका पेक्टिन। अमाइलोज जो होता है वो लीनियर चेन होती है। एक अमाइलोज कैसा होता है, लीनियर चेन वाला मॉलिक्यूल होता है, लेकिन अमाइलोपेक्टिन होता है ब्रांच्ड। और जो भी पॉलीमर ब्रांच्ड होगा वो कैसा होगा, हमेशा वो H2O में कैसा होगा, इनसॉल्यूबल होगा। तो आ गया ना आंसर, तो आंसर क्या आ गया आपका, अमाइलोपेक्टिन। तो डिटेल में, पूरा डिटेल में समझा दिया मैंने आपको, अब गलती मत कर देना इसके अंदर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए। तो ये पांचवा सेट खत्म हो गया, बहुत जल्दी खत्म हुआ है क्योंकि था इजी, ठीक है। बढ़िया बात है कि इजी था और आप लोग भी कॉपरेट कर रहे हैं, इसलिए ये आराम से खत्म हो गया है। तो थोड़ा सा ब्रेक ले लीजिए, बढ़ते हैं फिर अपन सिक्स सेट की तरफ। चलिए जी, तो आप लोग शायद रिलैक्स कर लिया होगा आपने, बीच बीच में से ब्रेक लेते रहा करो, कंटिन्यूअस पढ़ना भी ठीक नहीं है क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि माइंड को थोड़ा बहुत रिलैक्स भी चाहिए ही होता है। तो थोड़ा थोड़ा बीच में ब्रेक ले लेने का, तो इसका मतलब ये नहीं कि ब्रेक लिया तो आधे घंटे के ले लिया, एक घंटे के ले लिया, नहीं, ब्रेक लेना है 5 मिनट 10 मिनट, दस सेट इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। थोड़ा सा घूम आइए, पानी वानी पी लीजिए, है ना, थोड़ा पेरेंट्स से बात कर लीजिए और वापस बैठ जाइए, ठीक है, ज़्यादा व्यवहार नहीं किसी के साथ। चलिए पार्ट 5 की हम बात करते हैं, सॉरी सेट 5 की बात करते हैं, सॉरी 5 तो हो गया ना, 6 सेट, सेट नंबर 6। पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स डज नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन बाय रिएक्शन विद एसिड्स इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो इनमें से कौन सा मेटल है जो एसिड के साथ में रिएक्ट नहीं करता, सिंपल सी बात है, और अगर रिएक्ट ही नहीं करेगा तो हाइड्रोजन गैस भी कहां से निकलेगी, है ना। तो अगर हम ध्यान से इसको देखें पूरी चारों ऑप्शंस को, तो कॉपर, सिल्वर और गोल्ड ये कभी भी एसिड से रिएक्ट नहीं करते, ठीक है ना, और हाइड्रोजन गैस नहीं देते। बात समझ में आ रही है, अगर आपने इन मेटल्स को एसिड में डाला तो कभी भी आपको हाइड्रोजन गैस नहीं मिलेगी, बाकी सब में मिल जाएगी लेकिन इसमें नहीं मिलेगी, इन तीनों के साथ। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी, कॉपर, Ag और Au। क्वेश्चन नंबर 2, द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन ऑफ अ सिंपल केमिकल रिएक्शन A to B इज Ea, द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बैकवर्ड डायरेक्शन इज। अगर किसी भी रिएक्शन के लिए, किसी भी फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए अगर उसकी एक्टिवेशन एनर्जी को हमने Ea से रिप्रेजेंट किया है, तो बैकवर्ड डायरेक्शन में उसी रिएक्शन को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे, जल्दी बताइए बताइए बताइए। अपन इसको करेंगे ईए से ही करेंगे, लेकिन कौन सा ईए, उस ईए और उस ईए में क्या फर्क है, मतलब दोनों ईए के अंदर क्या फर्क आ जाएगा, तो कोई फर्क नहीं आएगा, या तो ज्यादा होगा या कम होगा। तो सी विल बी द राइट आंसर, लेसर और ग्रेटर देन ईए। फॉरवर्ड में जो आपका ईए था, बैकवर्ड में ये ईए या तो कम हो सकता है इस वाले से या फिर ज्यादा हो सकता है, इसलिए सी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, द थ्रेशोल्ड एनर्जी फॉर अ केमिकल रिएक्शन विल बी। सबसे पहले बताइए कि थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होती है, मालूम होना चाहिए ये।
थ्रेशोल्ड एनर्जी वो मिनिमम एनर्जी है, सुनिएगा ध्यान से, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ रिएक्शन। ठीक है, किसी भी रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए सबसे कम एनर्जी जो लगती है उसे अपन कहते हैं उसकी थ्रेशोल्ड एनर्जी, है ना। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन की थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होती है, इन चार ऑप्शन में से क्या सही है जल्दी बताइए। जब भी अपन थ्रेशोल्ड एनर्जी की बात करते हैं तो एक बात जरूर आप ध्यान रखिएगा कि हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी और एवरेज एनर्जी दोनों को मिला के बात करते हैं। मतलब जो आपकी थ्रेशोल्ड एनर्जी आएगी, लिख लेना फॉर्मूला, दैट विल बी योर एक्टिवेशन एनर्जी ई ए एज वेल एज योर एवरेज एनर्जी ई एवरेज। ये फॉर्मूला जरूर आप ध्यान रखिएगा। मतलब थ्रेशोल्ड एनर्जी का फॉर्मेशन किन दो एनर्जी से मिलाकर होता है, एक्टिवेशन एनर्जी और एवरेज एनर्जी से मिलाकर होता है, वो भी किसकी, ऑफ रिएक्टेंट, ऑफ रिएक्टेंट। इसलिए ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, फॉर्मूला ध्यान रखना, फॉर्मूला दे रहा हूं आज आप लोगों को मैं, ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ नहीं है, है ना, लेकिन देखो क्वेश्चन पूछ लेते हैं इसलिए पता होना चाहिए आप लोगों। अब इस तरह के क्वेश्चन करने से आपको फायदा मिलेगा कि आपको अलग अलग एंगल्स पता लगेंगे कि भाई क्वेश्चन कैसे फ्रेम हो सकते हैं और हमारी नॉलेज कहां पे थोड़ी सी लैग कर रही है। ठीक है, चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। मूर्खों का सोना, फूल्स गोल्ड, हिंदी की किताब में जो है लिखा होता है मूर्खों का सोना। ठीक है ना, अब पता नहीं क्यों कहते हैं, आई डोंट नो, बट मूर्खों का सोना कहते हैं इसको, बेवकूफों का सोना, है ना। तो फूल्स गोल्ड किसको कहते हैं, मतलब ये ऐसा गोल्ड होता है जो असल में गोल्ड नहीं होता लेकिन लोग उसको गोल्ड मानते हैं। अब जो लोग मानते हैं वो एक्चुअली मूर्ख हैं, है ना, तो इस बात को जरूर ध्यान रखें। तो फूल्स गोल्ड क्या है, हम लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे तो हमें तो मालूम होना ही चाहिए, वरना फिर क्या मतलब केमिस्ट्री पढ़ने का। तो जब भी हम लोग फूल्स गोल्ड की बात करते हैं तो वो होता है आयरन डाइसल्फाइड। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, मूर्खों का सोना क्या कहलाता है, Fe(S2), आयरन डाइसल्फाइड। इसलिए सी विल बी योर राइट आंसर। आगे बढ़े जी, चलिए डायरेक्ट क्वेश्चन है, बस याद रखना है आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्स, सॉरी नॉट मैक्सिमम, मिनिमम, यस मिनिमम मेल्टिंग पॉइंट, इन चारों में से किसका मेल्टिंग पॉइंट मिनिमम होता है जल्दी बताइए, किसका मेल्टिंग पॉइंट मिनिमम होगा, पॉज करके बताइए जल्दी से, गैस कीजिए। फॉस्फीन का, ठीक है ना, फॉस्फिन का बॉइलिंग पॉइंट अमोनिया से भी कम होता है, मजे की बात यह है ना, तो फॉस्फिन ध्यान रखिएगा। पी ब्लॉक में से क्वेश्चन है वो हमने देख लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। एन ऑक्सीजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्म्स ए कार्बोक्सिलिक एसिड एज द मेन प्रोडक्ट, है ना, ये थोड़ा सा कट गया है। अपॉन ऑक्सीडेशन विद इट्स मॉलिक्यूलर मास हायर बाय 14 यूनिट्स, मतलब आपके पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड था, उसके अंदर ऑक्सीजन भी था, मतलब आपने एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया है जिसके पास ऑक्सीजन भी है, तो जब आपने उसकी रिएक्शन करवाई तो उसने कार्बोक्सिलिक एसिड बनाया रिएक्शन के बाद में, और जब आपने इसका ऑक्सीडेशन किया वापस से तो इसका मॉलिक्यूलर मास 14 यूनिट्स बढ़ गया, तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा होगा। तो क्वेश्चन बड़ा ही टेढ़ा भी है, बहुत सिंपल भी है, ठीक है ना। देखिए मैं आपको पहले बता देता हूं, कि सपोज इन चारों में से, अब ये जो मिसप्रिंट है यहां पे, ये एल्डिहाइड नहीं, एल्डिहाइड है, है ना। एल्डिहाइड का जब भी हम लोग एक ध्यान रखिएगा कि एल्डिहाइड का जब हम लोग ऑक्सीडेशन करते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, और यहां पे क्या बोला है कि पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड ने कार्बोक्सिलिक एसिड बनाया और बाद में उसका ऑक्सीडेशन हुआ, लेकिन एल्डिहाइड तो पहले बना देता है ना, तो ये तो गलत हो जाएगा। कीटोन तो कभी कार्बोक्सिलिक एसिड बनाता ही नहीं, पहली बात तो कीटोन कभी भी कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं बनाता, सब लोग ध्यान से सुनिएगा, और तो सेकेंडरी अल्कोहल भी नहीं बनाता, तो बचा क्या, प्राइमरी अल्कोहल, और यही सही आंसर है। मतलब प्राइमरी अल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा और जब उसका ऑक्सीडेशन करोगे वापस से तो इसका मॉलिक्यूलर मास 14 टाइम्स बढ़ जाता है। तो एलिमिनेशन टेक्निक के माध्यम से भी आप लोग उसको सॉल्व कर सकते थे और कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं,
ड्राई कैल्शियम एसिटेट ऑन हीटिंग गिव्स, अगर आपने कैल्शियम एसिटेट को हीट किया, इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है CH3COO का होल ट्वाइस CA, ये होता है जी आपका कैल्शियम एसिटेट। तो जब अपन कैल्शियम एसिटेट को हीट करते हैं तो आप एक बार जरूर ध्यान रखिएगा कि कैल्शियम एसिटेट को हीट करने पे हमेशा हमको क्या मिलता है, हमेशा हमको मिलता है एसीटोन, है ना। तो कैल्शियम एसिटेट को जब भी आप हीट करोगे तो आपको एसीटोन ही मिलेगा, इसको भूलना नहीं। आगे बढ़ते हैं, फैक्चुअल क्वेश्चन था मतलब ये। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीवो रोटेटरी कंपाउंड, दो प्रकार के होते हैं, डेक्स्ट्रो रोटेटरी एंड लीवो रोटेटरी। डेक्स्ट्रो रोटेटरी वो कंपाउंड होते हैं जो घड़ी की सुई की दिशा में घूमते हैं, यानी कि क्लॉकवाइज वाले, और लीवो रोटेटरी वो होते हैं जो एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। तो यानी कि क्या पूछ रहा है ये कि इनमें से कौन एंटी क्लॉकवाइज है। अब ऐसे हम कैसे बताते हैं, लेकिन इसके लिए आपको याद रखना पड़ेगा, फ्रक्टोज ऐसा मॉलिक्यूल है जो एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा जी आपका, फ्रक्टोज। ओके, सुक्रोज भी जो है आपका घड़ी की सुई की दिशा में घूमता है क्लॉकवाइज, और ग्लूकोज भी क्लॉकवाइज घूमता है ना। आगे बढ़ते हैं, फैक्चुअल क्वेश्चन है ये, बिल्कुल फैक्ट है, इसमें कोई रीजन नहीं दे सकते आप, बस फैक्ट है तो फैक्ट है बस। क्वेश्चन नंबर 9, एन एग्जाम्पल ऑफ एम्बीडेंटेड लिगेंड। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एम्बीडेंटेड लिगेंड, ऐसे लिगेंड जिसमें एक से ज्यादा डोनर एटम्स होते हैं और एक ही टाइम पर दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं, उसे हम कहते हैं एम्बीडेंटेड। ऐसा लिगेंड जैसे सपोज कीजिए हम बात करें CN की, एग्जांपल देके समझाता हूँ मैं, सपोज कीजिए हमने बात की साइनाइड की CN की, तो जरूरत पड़ने पे नाइट्रोजन भी इलेक्ट्रॉन दे सकता है और जरूरत पड़ने पर कार्बन भी इलेक्ट्रॉन दे सकता है, मतलब एक ही टाइम पर दोनों ही एटम्स इलेक्ट्रॉन देने में कैपेबल होते हैं, और ऐसे लिगेंड्स को ही या फिर ऐसे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीशीज को ही हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं एम्बीडेंटेड लिगेंड। तो बताइए इन चारों में से कौन है जो एम्बीडेंटेड है, जल्दी बताइए, गैस कीजिए फटाफट वीडियो को पॉज करके। यह है आपका थायोसाइनेटो, यानी कि SCN। अब CN आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है, तो CN वाले जहां भी होंगे तो आप समझ लो कि एम्बीडेंटेड हो गई है। ऑक्सीलेटो भी नहीं है, पानी तो होता ही नहीं है खैर, और एमीन भी कभी नहीं होता। ओके, आगे बढ़े, ठीक है आगे बढ़ते हैं, आ जाते हैं जी हम लोग फिल इन द ब्लैंक्स पे, ये ज्यादा ही जूम हो गया है, जस्ट अ मिनट। हाँ जी, फिल इन द ब्लैंक्स पे आ जाते हैं जी। पहला, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन हैज, जिस तरह से टॉलेंस रिएजेंट के अंदर क्या होता है, सिल्वर होता है, फेलिंग सॉल्यूशन के अंदर क्या होता है, कॉपर होता है, उसी तरह से बेनेडिक्ट सॉल्यूशन के अंदर क्या होता है, तो बेनेडिक्ट सॉल्यूशन के अंदर भी कॉपर ही होता है, ध्यान रखिएगा Cu2+ आयन ही होते हैं, है ना। बेनेडिक्ट और फेलिंग इन दोनों के अंदर कॉपर 2+ आयन होते हैं, इस बात का कोई विशेष ध्यान रखना है। और इसका यूज भी क्या करते हैं अपन, एल्डिहाइड के पॉजिटिव टेस्ट में करते हैं। अगर आपको पता लगाना है कि हमारे सॉल्यूशन में एल्डिहाइड है कि नहीं है, तो आपको बेनेडिक्ट टेस्ट लगाना पड़ता है, जिसके अंदर क्या होता है, कॉपर 2+ आयन होते हैं। अभी आपने सीखा था, पढ़ा भी था। सेकंड क्वेश्चन देखिए आप कि नाइट्रोलिम क्या होता है, नाइट्रोलिम, तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपने एक सेकेंड, हाँ, अगर आपने कभी भी CaCN2 लिया किसके साथ में, एक्टिवेटेड चारकोल के साथ में, तो इन दोनों के मिक्सचर को हम लोग क्या बोलते हैं, नाइट्रोलिम बोलते हैं। तो CaCN2 और एक्टिवेटेड चारकोल, इसके मिक्सचर को हम लोग क्या कहते हैं जी, नाइट्रोलिम कहते हैं। और मैंने आपको बताया था इसका यूज करते हैं हम लोग क्या करने के लिए, एसिटाइलिन गैस को प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, द एक्टिवेशन एनर्जी इन द केमिकल रिएक्शन डिपेंड्स ऑन, ये पता नहीं कितनी बार तो क्वेश्चन पूछ लिया, ये बार बार आ रहा है क्वेश्चन, ठीक है ना। और अभी भी अगर आप इसका आंसर नहीं कर पा रहे तो एक काम करो, फिर छोड़ ही दो यार, ठीक है ना। तो एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ केमिकल रिएक्शन किस पे डिपेंड करता है, ऑब्वियसली बात है नेचर ऑफ रिएक्टेंट पे, एमसीक्यू में भी आया था ये, नेचर ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है ना। तो मेहरबान करके याद कर लो इसको, ये बेचारा परेशान हो रहा है बार बार क्वेश्चन डाल के। क्वेश्चन नंबर 4, डैश रिएक्शन फॉर्म्स
डाई इथाइल ईथर फ्रॉम इथेनॉल, मतलब इनमें कौन सी रिएक्शन अल्कोहल से डाई इथाइल ईथर बनाती है? तो देखो, जब भी अपन ईथर बनाने की बात करते हैं, वो भी अल्कोहल से, तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन, ठीक है ना? याद करो वो दिन जब हमने अल्कोहल से ईथर बनाना सीखा था 413 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे, ठीक है? उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? डिहाइड्रेशन, है ना? ध्यान रखना, यहां भी लिख देता हूं मैं, डिहाइड्रेशन, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन शॉर्ट टाइप में, आइडेंटिफाई द रिएक्शन ऑर्डर फ्रॉम द फॉलोइंग रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट आपको ये दे रखा है, देखो, तो आपको बताना है कि ऑर्डर क्या होगा, रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा। मान लीजिए कोई रिएक्शन है जिसका जो के है रेट कांस्टेंट, वो इतना आया है, तो इस रेट कांस्टेंट को देखे क्या हम किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं उसकी यूनिट को देख के, है ना? तो यूनिट अगर आप ध्यान से देखें तो मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स है, ठीक है ना? जीरो ऑर्डर के अंदर मोल इनवर्स लीटर इनवर्स और सेकेंड इनवर्स होता है, समझे कि नहीं समझे? तो जीरो ऑर्डर भी नहीं है, फर्स्ट ऑर्डर के अंदर सेकेंड इनवर्स होता है, तो फर्स्ट ऑर्डर भी नहीं है, तो कौन सा ऑर्डर है? ये है आपका सेकेंड ऑर्डर। मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, वो फॉर्मूला जरूर से याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है ऑर्डर फाइंड आउट करने के लिए, है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। और वैसे भी तुम एक चीज याद ही रख लो कि अगर मान लो कभी भी आपकी यूनिट है ना, कभी भी किसी भी रेट कांस्टेंट के पीछे अगर यूनिट आपकी मोल लीटर इनवर्स लीटर और सेकंड इनवर्स आ जाती है, तो वो सेकंड ऑर्डर की ही बात करता है, मतलब। तो इसमें कंफ्यूजन मत रखना आज के बाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बार बार जूम इन जूम आउट हो रहा है, पता नहीं क्या है। ठीक है, चलो काम चलाते हैं ऐसे ही। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, विच रिड्यूसिंग एजेंट इज एम्प्लॉयड टू गेट कॉपर फ्रॉम द लीस्ट लो ग्रेड कॉपर ओर। तो कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट हम लोग यूज करते हैं लो ग्रेड कॉपर ओर से कॉपर निकालने के लिए? मतलब आपके पास कोई कॉपर का ओर है और बहुत ही घटिया किस्म का है वो, उसमें से कॉपर अगर आपको बाहर निकालना है तो कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट हम लोग यूज करेंगे, क्वेश्चन ये पूछ रहा है, बताइए। तो याद रखिएगा, जब भी हम लोग लो ग्रेड ओर में से कॉपर को निकालने की बात करते हैं तो आपको केवल हाइड्रोजन ही यूज करना है एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है? और कुछ भी यूज नहीं करना है आपको, केवल और केवल क्या यूज करना है जी? हाइड्रोजन, दैट्स इट। ओके, इसको याद कर लीजिए, ध्यान में रखिए, एग्जाम में काम आ सकता है। और अपने नोट्स को जरूर पढ़ते रहिएगा, ठीक है ना? ये नहीं केवल क्वेश्चन पे डिपेंड हो गए, नोट्स को जरूर पढ़ते रहिए, ये क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए है, है ना? लेकिन नोट्स के अंदर आपने ज्यादा डिटेल में पढ़ा होगा, तो डिटेल की चीजों को थोड़ा सा इज्जत दीजिए, है ना? शॉर्ट तरीके से आप कभी भी ज्यादा नॉलेज गेन नहीं कर पाओगे। क्वेश्चन नंबर 3, आउट ऑफ PH3 फॉस्फीन एंड H2S हाइड्रोजन सल्फाइड, विच इज मोर एसिडिक एंड वाई। अब ऐसा क्वेश्चन भी हमने डिस्कस किया था कई बार, ठीक है ना? और मैंने आपको बताया भी था कि जो है H2S जो होगा वो मोर एसिडिक होगा। क्यों होगा? क्योंकि जब आप ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हो, भाई सल्फर के ऊपर कौन आता है? ऑक्सीजन आता है। तो जब आप ऊपर से नीचे जाते हो तो साइज बढ़ता है, और साइज जब बढ़ता है तो ऑब्वियस सी बात है अट्रैक्शन बिटवीन सल्फर एंड हाइड्रोजन कम हो जाता है, जिसकी वजह से हाइड्रोजन जल्दी रिलीज होगा। लेकिन यहाँ पे तो ऑक्सीजन है नहीं, यहाँ पे फॉस्फोरस है, तो फॉस्फोरस कहाँ पे आता है बताइए? नाइट्रोजन के नीचे आता है, और नाइट्रोजन जो है वो ऑक्सीजन के पहले आता है। देखिए इधर NP, ये 15 ग्रुप और ये आपका 16 ग्रुप। तो जब आप लेफ्ट टू राइट मूव करते हो ना, लेफ्ट टू राइट जब आप मूव करते हो, ध्यान देखिएगा, जब आप लेफ्ट राइट मूव करते हो तो हमेशा साइज जो होता है वो क्या होता है? छोटा हो जाता है। लेकिन फिर भी मतलब अपन क्या कह सकते हैं कि फास्फोरस जो है वो सल्फर से बड़ा है, तो मतलब टेक्निकली फास्फोरस को ज्यादा एच निकालना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है। यहीं पे हमारा कैच आता है। कैच क्या आता है? जब आप 15 ग्रुप का, अभी पी ब्लॉक में से क्वेश्चन है, ध्यान रखिए पी ब्लॉक का क्वेश्चन है ये, जब आप 15 ग्रुप का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखोगे तो NH2 NP3 आता है,
और 16 ग्रुप का लिखे हुए तो NH2NP4 आता है। नाउ P3 का मतलब क्या हो गया, हाफ फिल्ड स्टेट, और हाफ फिल्ड स्टेट क्या होता है, सबसे ज्यादा स्टेबल माना जाता है। तो फॉस्फोरस अपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगुरेशन की वजह से स्टेबल हो गया, दैट्स वाई वो हाइड्रोजन को रिलीज नहीं करेगा, इसलिए H2S विल बी मोर एसिडिक। ठीक है, तो जिन भी स्टूडेंट की डिमांड थी कि मैं पी ब्लॉक के क्वेश्चन बनाऊं, देखो पी ब्लॉक अपने आप आ रहे हैं इसमें तो। और अगर आप मेरे फिफ्थ पार्ट देखोगे ना, पार्ट नंबर 5 इस सीरीज का, तो उसमें भी बहुत सारे मैंने पी ब्लॉक के क्वेश्चन करवाए हैं, जहां भी आपको फॉस्फोरस, सल्फर, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन ये सब आता है ना, वो सब पी ब्लॉक की ही बात करते हैं। तो घबराना नहीं है कि सर ने कुछ छोड़ दिया, ये पीडीएफ बहुत बढ़िया है और सारे के सारे एंगल में यहाँ पे लेने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, और जो एक्स्ट्रा डिटेल होती है वो तो मैं आपको बताता ही हूँ, आपको पता ही है ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, गिव रीजंस। ये देखिए वापस से क्वेश्चन आ गया, H2S इज मोर एसिडिक देन H2O ड्यू टू लार्जर साइज, है ना, क्या समझाएं उसको, हटाओ उसको। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, राइट IUPAC नेम ऑफ फॉलोइंग। अब इसका IUPAC नेम को लिखना है। अब इसका IUPAC नेम लिखने के लिए सबसे पहले अपन क्या देखते हैं, इसका ग्रुप देख लेते हैं, फंक्शनल ग्रुप। तो इसका जो फंक्शनल ग्रुप है वो फिनॉल है, मतलब जो मदर होगी ना इसकी मम्मी, वो फिनॉल है। तब देखिए ये यहाँ पे 1 नंबर दिया, इसको हमने 2 नंबर दिया, 3, 4 और ये 5, कितना इजी था, है ना। चलिए इसका नाम लिखते हैं, इसका नाम हो जाएगा 2-methoxy-5-methyl phenol। कितना इजी था, है कि नहीं। बस आपको मदर चेन ढूंढनी है, मतलब मम्मी चेन को ढूंढना है और आपका काम खत्म। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं जी, 6th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आइसोमर इज मोर वॉलेटाइल, कौन जल्दी से इवेपोरेट हो जाएगा, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल या पैरानाइट्रोफिनॉल। तो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, ठीक है ना। अब क्यों होगा, अब कितनी बार बताऊं मैं, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल के अंदर क्या होता है, अगर मैं इसका स्ट्रक्चर आपको ओपन करके दिखाऊं, तो ये हो गया जी आपका फिनॉल, दिस इज योर फिनॉल, और नाइट्रो का मतलब हो गया कि दिस इज योर नाइट्रो, इस तरह से। तो देखिए कौन सी बॉन्डिंग हो रही है, दिस इज कॉल्ड IHB, इंट्रा मॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग। और जहां भी इंट्रा मॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग होती है वो मॉलिक्यूल कैसा हो जाता है, स्टेबल, और स्टेबल होने की वजह से कैसा हो गया ये, इवेपोरेट। आगे ना आंसर, ओके। IHB जो है पैरानाइट्रोफिनॉल के अंदर एब्सेंट होती है, दैट्स व्हाई वो मोर वोलेटाइल नहीं है, है ना, सिंपल चीज है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बेसिक स्ट्रेंथ। तो बेसिक स्ट्रेंथ के डिक्रीजिंग ऑर्डर के भी यहाँ पे आपको बात करनी है। यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं एमीन्स की, वो भी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी की। अगर नाइट्रोजन के साथ में मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो मैंने आपको 25 बार बताया है कि जब भी हम लोग मिथाइल ग्रुप्स जुड़े हुए नाइट्रोजन की जब भी हम बात करते हैं, एमीन की जब भी हम बात करते हैं, तो बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या हो जाता है बताइए, 213, ट्रिक याद रखो, 213, यानी कि 2 डिग्री विल बी मोर स्टेबल देन 1 डिग्री देन 3 डिग्री, और सबसे लास्ट में तो आपका NH3 आएगा ही, खैर, है ना। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है आपका, ये कैसा है, 1 डिग्री है, ये जो है ऊपर वाला ये 2 डिग्री है, और लास्ट में क्या है, ये 3 डिग्री है, ओके। 213 ट्रिक याद रखो, अगर किसी भी एमीन वाले नाइट्रोजन के साथ में मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, तो आपको 213 वाली ट्रिक याद रखनी है, सारा काम ही खत्म। या आप नीट में भी कर सकते हो, नीट या फिर JEE, अभी नीट का एग्जाम आ रहा है, ठीक है ना, अभी थोड़े दिन बाद JEE का एग्जाम भी है, तो दोनों के अंदर चीजें काम आएगी, क्योंकि बहुत ज्यादा पूछा गया क्वेश्चन के अंदर। मैं नीट और JEE दोनों को भी, दोनों के स्टूडेंट्स को भी जो है पढ़ाता हूँ, तो बहुत सारे क्वेश्चन मैं उनको करवाता हूँ जिसमें ऐसे ही मतलब ऊटपटांग क्वेश्चन आते हैं, जिसमें आपको ऐसी ट्रिक काम आती है, और ये मतलब सेकंड वाले होते हैं, देखा ट्रिक याद करी और टिक लगा दिया, बस एक दो सेकंड में काम खत्म हो जाना चाहिए, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की हम लोग बात करते हैं, मेंशन वन इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स इन आवर बॉडी। अब न्यूक्लिक एसिड के तो इतने सारे फंक्शन हैं, कोई एक फंक्शन में बोल रहा है, चलो इसकी पूरी कर देते हैं, तो क्या लिखूंगा आप,
दैट इज ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशंस फ्रॉम वन जेनरेशन टू अनदर जेनरेशन। ठीक है, ये इसका सबसे बेसिक काम है। ठीक है, हम लोग जो है अपने माता पिता के द्वारा जो है बॉर्न हुए हैं, मम्मी ने हमको जन्म दिया है। ठीक है, और क्या नाम से और क्या क्या कह रहा था मैं, हाँ, मदर ने हमको जन्म दिया है, लेकिन जब फादर ने अपने अपना डीएनए मदर को दिया तो मदर और फादर के डीएनए को मिलाकर वो डीएनए हमारे अंदर आ चुका है। तो इन उन दोनों का जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन थी वो किसके अंदर है, वो हम दोनों के अंदर है। मतलब अगर हम लोग अपना ब्लड टेस्ट करवाएं, डीएनए टेस्ट करवाएंगे, तो हमारी मम्मी और पापा दोनों के साथ मैच कर जाएगा। इसे अपन कहते हैं ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। मतलब माताजी और पिताजी ने क्या किया, अपना जेनेटिक इन्फॉर्मेशन हमारे अंदर ट्रांसफर कर दिया। और एक्चुअल में किसके थ्रू किया, डीएनए के थ्रू किया या फिर न्यूक्लिक एसिड के थ्रू किया। और न्यूक्लिक एसिड जो है दो प्रकार के होते हैं, मालूम होना चाहिए, डीएनए और आरएनए। ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको। ठीक है जी, तो सेट जो है 6 भी खत्म हो गया है। अब हम चलते हैं सेट 7 की तरफ, थोड़ा सा ब्रेक ले लीजिए, फिर चलते हैं सेट 7। ओके एवरीबॉडी, तो हम लोग मूव कर रहे हैं सेट 7 की तरफ। 6 सेट हमने कंप्लीट कर लिए हैं, ये शायद हमारा 7th सेट है। और आप लोगों ने भी, उम्मीद कर रहा हूँ कि थोड़ा सा रेस्ट लिया होगा, और आप लोग जो है बिल्कुल पूरी मेहनत कर रहे होंगे तैयारी करने में अपनी, और उसमें मैं अपना जो है थोड़ा सा आपकी हेल्प कर रहा हूँ। तो पेपर जो है 27 को एकदम बिल्कुल आप लोगों को जो है बहुत बढ़िया तरीके से करके आना है, इसलिए आप लोग, आपकी तरफ से, मेरी तरफ से मेहनत की जा रही है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सेट 7 का पहला क्वेश्चन, सेल रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस व्हेन। तो कोई भी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस कब होती है, कोई भी रिएक्शन, ध्यान रखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस तभी होती है जब उसका डेल्टा जी नॉट नेगेटिव हो। अगर डेल्टा जी नॉट नेगेटिव में है तो वो, ध्यान रख लीजिए, वो रिएक्शन कैसी हो जाएगी, स्पॉन्टेनियस हो जाएगी। कोई एक्सेप्शन नहीं, कुछ नहीं, बस आपको रटना है इसको, रट लो आप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फॉलोइंग इक्विलिब्रियम आर गिवन। तो कुछ इक्विलिब्रियम रिएक्शन यहां पर गिवन है, तो ये N2 3H2 वाली का है K1, N2O2 वाले का है K2, और N2 1/2O2 का है K3। ठीक है ना, तो इसकी हेल्प से जब आप ये वाली रिएक्शन लिखोगे, ये वाली, ठीक है ना, तो K1 K2 K3 क्या उसमें क्या रिलेशन होगा, ये पूछा जा रहा है कि K1 K2 और K3 में क्या रिलेशन होगा। तो बताइए क्या रिलेशन होगा, सोच के बताइए, वीडियो को पॉज करके जल्दी बताइए। देखिए, NH3 जो है वो ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट कर रहा है, यानी कि और रिएक्ट करने के बाद में NO2 बना रहा है और 3H2, या H2O, H3 लिखा हुआ है लेकिन इसको बोलेंगे अपन H2O, H2O जो है वो बना रहा है। तो अगर मैं K3 और K2 की बात करूं, तो K3 और K2 में जो रिलेशन होगा ना इन दोनों में, पहले मैं इसकी बात करता हूं, तो K3 का स्क्वायर जो होगा वो K2 के बराबर हो जाएगा, सॉरी बराबर क्या बोल रहा हूं मैं, अपॉन में आ जाएगा। और K1 जो है वैसा का वैसा ही रहने वाला है, क्यों, क्योंकि K1 के अंदर NH3 जो है डिसोसिएट हो रहा है। तो रिएक्शन देखो, चूंकि दोनों डायरेक्शन में हो रही है इसलिए K1 पे कोई फर्क नहीं आएगा, आपने बस रिएक्शन को उल्टा कर दिया है ना, इसलिए जो आपको नया रिलेशन मिलेगा इन तीनों को ऐड करने के बाद, मतलब तीनों में रिलेशन निकालेंगे जब, तो K1 K3 का स्क्वायर अपॉन K2, ठीक है ना,
हाँ बिल्कुल, तो ये रिलेशन हमको कहाँ पे देखने को मिल रहा है, ये हमको देखने को मिल रहा है सी वाले ऑप्शन में। ठीक है, अब जिनको ये समझ में आ गया वेरी गुड, जिनको समझ में नहीं आया छोड़ दो, सिंपल सी बात है। अब इतना टाइम आपके पास नहीं है कि आप उसको समझने बैठो, इसलिए आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, करेक्ट फाइंड आउट करना है, और ये भी देख लिया करो कि करेक्ट है कि इनकरेक्ट है। कई बार क्या होता है कि लिखा होता है करेक्ट कर देते हैं इनकरेक्ट, कई बार लिखा होता है इनकरेक्ट कर देते हैं करेक्ट, है ना, तो ये भी नहीं करना है। करेक्ट इन रिलेशन टू इक्वेशन, अब ये आपका आरएनएस इक्वेशन आपको मालूम पड़ गया होगा, तो आरएनएस इक्वेशन के रेस्पेक्ट में इन चारों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है, ये मतलब आपसे पूछने की कोशिश कर रहा है ये। ठीक है, तो ऐसा ही क्वेश्चन जो है रिपीट भी हुआ एक बार और यहाँ पे करेक्ट नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे होना चाहिए था इनकरेक्ट। तो जिसने मुझे पीडीएफ भेजा है मैं उसको दोबारा से वार्न कर रहा हूँ कि भाई ऐसे फालतू फर्जी पीडीएफ मत भेजा करो, हालांकि इतनी भी फर्जी नहीं है, बहुत सारे क्वेश्चन सही भी है, लेकिन ये जो मिस्टेक्स है ना इसको थोड़ा सा करेक्ट करके देख लिया करो एक बार। तो इनकरेक्ट है यहाँ पे बी, आर जो है रेडबर्ग कॉन्स्टेंट नहीं है, आर जो है यहाँ पे क्या है गैस कॉन्स्टेंट है, दिस इज गैस कॉन्स्टेंट। ऐसा कर चुके हैं अपन, ज़्यादा वेस्ट नहीं करेंगे टाइम, आगे बढ़ते हैं। तो फॉर्मूला ऑफ हेमेटाइट, हेमेटाइट का फॉर्मूला क्या होता है, हेमेटाइट जो है वो आयरन का ओर है, इसमें से आप आयरन को बाहर निकाल सकते हो। ठीक है ना, तो अब चारों ऑप्शन में आयरन है बताओ, ठीक है ना, तो ये बहुत बड़ा गेम हो गया। तो याद रखिएगा कि हेमेटाइट का जो फॉर्मूला होता है उसको हम लोग किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, Fe2O3, तो Fe2O3, तो बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। और Fe3O4 किसका होता है फिर, Fe3O4 होता है मैग्नेटाइट का, जिससे कि मैग्नेट्स बनते हैं, जितने भी आप मैग्नेट्स देखते हो ना सब मैग्नेटाइट ओर के ही बनते हैं, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइट्रोजन शो एनोमेरस बिहेवियर बिकॉज ऑफ, एनोमेरस का मतलब क्या होता है, सबसे अलग बिहेवियर शो करता है नाइट्रोजन अपने पूरे ग्रुप में, क्यों करता है, क्यों करता है जल्दी बताइए। तो बहुत ही सिंपल सा इसका आंसर है, पहली बात तो इसका साइज छोटा है, इसके पास डी ऑर्बिटल्स नहीं है, और ये मल्टीपल ऑर्बिटल बना सकता है, इसलिए ऑल ऑफ दीज विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, छोटा साइज, एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल्स एज वेल एज फॉर्मेशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड्स। आगे बढ़ते हैं जी, सिक्स क्वेश्चन है आपका, एल्डिहाइड ऑन ऑक्सीडेशन गिव्स, जब भी आप किसी भी एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करोगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको हमेशा मिलेगा जी कार्बोक्सिलिक एसिड, इसलिए ए विल बी द राइट आंसर। ठीक है, कोई एक्सेप्शन नहीं है, सीधा याद करना है आपको, और अपन ने चैप्टर भी पढ़ा था तो आपको याद हो जाना चाहिए। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ सिंपल डाइसेक्राइड इज, सिंपल डाइसेक्राइड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है जल्दी बताइए, सिंपल जो फॉर्मूला होता है डाइसेक्राइड का, अगर उसका एग्जाम्पल याद कर लोगे तो मुझे नहीं लगता कि आप फॉर्मूला पहचान सकते हो, उसका एग्जाम्पल है सुक्रोज, और सुक्रोज का फॉर्मूला क्या होता है, C12H22O11, डी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, देखो कितने धड़ाधड़ क्वेश्चन हो रहे हैं, अगर आपका माइंड में इतना काम कर रहा है जो कि करना चाहिए, अब तो करना ही चाहिए, एग्जाम आ गए, अभी कल ही पेपर है, 26 हो गई, देखो आज टाइम देख रहे हो ना, यहाँ पे देखिए आप टाइम, टाइम डेट दिख रही होगी, 26 आज हो गई, तो कल ही आपका पेपर है ना, तो आप माइंड का ढंग से काम करना चाहिए, देखो अब आलस से काम नहीं चलेगा। एन एग्जाम्पल ऑफ एम्बीडेंटेड लिगेंड, एम्बीडेंटेड लिगेंड का एग्जाम्पल क्या हो गया जल्दी बताइए, अभी किया था अपन ने थायोसाइनेटो, क्या घटिया घटिया क्वेश्चन रिपीट कर रहा है बार बार। नाइन्थ क्वेश्चन, क्लोरोइथेन C2H5Cl होता है क्लोरोइथेन, जब मैं इसकी रिएक्शन ए से करवाता हूं तो मुझे मिलता है डाई इथाई इथर, तो ए क्या चीज है भाई यहाँ पे, वट इज ए, चारों में से ए क्या होगा, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा सोडियम इथोक्साइड, याद करो विलियमसन इथर सिंथेसिस, विलियमसन को याद कर लो फटाफट, अपने वो देख लो नोट्स, विलियमसन के अंदर ही क्या होता है, सोडियम एल्कोक्साइड जो है वो एल्काइल हैलाइड से रिएक्ट करता है ना, तो ये विलियमसन हो गया। चलिए आ जाते हैं फिल इन द ब्लैंक्स पे, पहला क्वेश्चन ऊपर क्यों जा रहा है भाई, हाँ पहला क्वेश्चन है, प्राइमरी अल्कोहल ऑन कैटलाइटिक हाइड्रोजनेशन गिव्स, जब भी आप किसी भी प्राइमरी अल्कोहल 1 डिग्री अल्कोहल का हाइड्रोजनेशन करोगे वो भी कैटलाइटिक, तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा जी एल्डिहाइड, इसको भूलना नहीं है। दूसरा, केमिकल फॉर्मूला ऑफ हिंसबर्ग रिएजेंट, हिंसबर्ग रिएजेंट का फॉर्मूला बताऊंगा बाद में, पहले स्ट्रक्चर बना देता हूँ,
बेंजीन रिंग, SO2 और Cl। ये फॉर्मूला पढ़ा था अपन ने, यस और नो? इसलिए C6H5SO2Cl। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, सिडेराइट। सिडेराइट जो है ओर होता है, और सिडेराइट का यूज अपन किस चीज के लिए करते हैं जल्दी बताइए? आयरन को बाहर निकालने के लिए, है ना? तो Fe का ये क्या होता है? ओर होता है ना? FeS ऐसा कुछ इसका फॉर्मूला होता है, FeS2 पर देख लेना। क्वेश्चन नंबर 4, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ClF3 मॉलिक्यूल इज, जो ClF3 होता है इसको हम कहते हैं क्लोरीन ट्राइफ्लोराइड, इसको हम कहते हैं क्लोरीन ट्राइफ्लोराइड। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है ये आपको बताना है। तो इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो Cl के पास में d ऑर्बिटल्स भी होते हैं, तो sp3d2, है ना? sp3d2, इसका मतलब इसकी शेप कैसे हो जाती है? इसकी शेप हो जाती है आपकी डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, डिस्टॉर्टेड। तीन इसमें ये है आपके, नहीं सॉरी, ये आपका आई थिंक वो होता है, एक सेकंड, टी शेप हो जाता है, टी शेप, नॉट डिस्टॉर्टेड, टी शेप, गलत बोल दिया मैंने, टी शेप होता है इसका, है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। एक्सप्रेस द रेट ऑफ फॉलोइंग इन टर्म्स ऑफ अमोनिया, आपको रेट बताना है अमोनिया के टर्म्स में। तो बड़ा ही मतलब अजीबोगरीब यहाँ पे रिएक्शन लिखी हुई है, मतलब आपको रेट ऑफ रिएक्शन लिखनी है, तो चलो लिख देते हैं। और यहाँ जो मैं रेट ऑफ रिएक्शन लिख रहा हूँ वो कौन सा लिख रहा हूँ? इंस्टेंटेनियस वाला लिख रहा हूँ, इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस वाली। तो देखो कैसे लिखेंगे, माइनस कंसेंट्रेशन ऑफ N2DT इज इक्वल्स टू माइनस 1/3 डी कंसेंट्रेशन ऑफ H2/dT इज इक्वल्स टू प्लस 1/2 डी कंसेंट्रेशन ऑफ NH3/dT। तो हो गया, है ना? ऐसे हमने सीखा है ये, और आपको पता ही लग गया होगा कि ये क्वेश्चन आया फ्रॉम द चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। डिफाइन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, आप बताओ, ऐसे फर्जी फर्जी तो ये पूछ रहे हैं ये लोग, ठीक है ना? तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को डिफाइन कर देना भैया ना, मैं नहीं बता रहा यहाँ पे, बहुत मतलब हो गया, कर देना इसको डिफाइन, नोट्स में देख लेना, लिखवाया था मैंने। बार बार जूम इन क्यों हो रहा है, एक सेकेंड रुको। हाँ जी चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, राइट द फॉर्मूला ऑफ एनी टू ऑक्साइड, कोई किसी भी दो ऑक्सो ऑक्साइड के नाम बताइए सल्फर के। तो सल्फर के तो मैं पता नहीं कितने आपको गिना दूंगा, लेकिन जो अगर दो बोल रहे हो दो ही याद कर लो, एक तो याद कर लो आप, क्या बताओ? एक तो आप याद कर लो, एक सेकेंड, हाँ एक आप याद कर लो H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, और एक आप याद कर लो H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड, सल्फ्यूरस एसिड, और ये हो जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड, फ्यूरिक एसिड, ठीक है? कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कोई डाउट। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है, गिव रीजंस फॉर द फॉलोइंग, आपको रीजंस बताना है, रीजंस आपको देना है। ऑक्सीजन हैज लेस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी विद नेगेटिव साइन देन सल्फर, क्यों? ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव होती है सल्फर से, सल्फर की पॉजिटिव होती है जबकि ऑक्सीजन की नेगेटिव होती है, बताओ क्यों? इसका आंसर बहुत ही सिंपल है, ठीक है ना? और इसका एक ही रीजन आपको लिखना है एक नंबर में, तो क्या लिखेंगे आप जल्दी बोलो? ड्यू टू, बोलो भाई, ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ ऑक्सीजन। सल्फर से इसका साइज कैसा होता है? छोटा होता है, और साइज छोटा होगा तो ऑब्वियस सी बात है न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज्यादा हो जाएगा, इसलिए इलेक्ट्रॉन जो होते हैं आउटमोस्ट शेल के वो न्यूक्लियस के साथ में कॉम्पैक्टली बाइंडेड रहेंगे, इसलिए उस इलेक्ट्रॉन को तोड़ना, तोड़कर बाहर निकालना बहुत ही ज्यादा मुश्किल वाला टास्क हो जाता है, ठीक है? गलती नहीं होनी चाहिए, देखो बिल्कुल भी गलती नहीं होनी चाहिए, जैसे कहते हैं ना, इसे इसमें कहते हैं चिंदी क्वेश्चंस, ठीक है ना? चिंदी क्वेश्चंस के अंदर किसी भी तरह की गलती नहीं होनी चाहिए, ये स्ट्रिक्टली मेरा जो है आप लोगों के लिए एक ऑर्डर है, ध्यान रखना।
क्वेश्चन नंबर फाइव देखिए, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल हैज लोअर बॉइलिंग पॉइंट देन पैरा नाइट्रोफिनॉल, क्यों? अभी जैसे मैंने बताया था, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल के अंदर क्या होता है, आई एच बी, इंटर मॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, तभी तो क्या होता है, ये वॉलेटाइल हो जाता है। ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल वॉलेटाइल क्यों होता है, क्योंकि उसका उसके अंदर क्या मिलता है आपको, आई एच बी मिलता है, समझे कि नहीं समझे? और इंटर नहीं, सॉरी इंट्रा है ना, ध्यान रखना एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हो रहा है तो इंट्रा है। दोबारा बता देता हूं, ओ एच और यहां पे है एन डबल बॉन्ड ओ और यहां पे है ओ, तो ये जो बॉन्डिंग आप देख रहे हो हम कहते हैं इंट्रा, इंटर नहीं है, करेक्शन कर लेना, पहले वाले क्वेश्चन में भी करेक्शन कर लेना थोड़ा सा, इंट्रा मॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग, तो इंट्रा एच बी एस के अंदर, ठीक है, बाकी सारी कहानी सेम ही है। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर सिक्स देखो, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल इज मोर एसिडिक देन ऑर्थो मेथॉक्सीफिनॉल, तो पहले मैं दोनों का स्ट्रक्चर बनाता हूँ एक सेकंड को। तो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल तो कुछ इस तरह से है, ऑर्थो मेथॉक्सीफिनॉल कुछ इस तरह से है, इस तरह से, चलिए बताइए। हाँ जी, तो सिंपल सी बात है कि ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल के अंदर ये जो आप ग्रुप देख रहे हो ना, ये NO2 ग्रुप, ये माइनस का इफेक्ट लगाता है, मतलब सारा इलेक्ट्रॉन की तरफ खींच लेगा, और ये ग्रुप मेथॉक्सी ग्रुप जो है वो क्या लगा रहा है, प्लस का इफेक्ट लगा रहा है, जो सारे इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो अगर ये सारे इलेक्ट्रॉन खींच लेगा तो ऑक्सीजन के पास में क्या जाएगा, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, और हाइड्रोजन पर पॉजिटिव होता ही है, इसलिए एच जल्दी से बाहर निकल जाएगा। ऐसा भी क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट इस पर आपको नहीं करना है। जो क्वेश्चन कर चुके हैं कम से कम उनको तो है ना आप ध्यान रखिए, आप ये नहीं कि बार बार मतलब उसी में ही उलझे हुए हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर गिव अ केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्रोपेनॉल और प्रोपेनॉन, प्रोपेनॉल जो होता है एक एल्डिहाइड होता है, प्रोपेनॉन जो होता है एक कीटोन होता है, दिस इज योर एल्डिहाइड एंड दिस इज योर कीटोन, दिस इज योर कीटोन। तो एल्डिहाइड और कीटोन को सेपरेट करने के लिए सबसे बेस्ट टेस्ट कौन सा है, बताइए जल्दी से, आयोडोफॉर्म टेस्ट, आयोडोफॉर्म टेस्ट, याद है कि नहीं? आयोडोफॉर्म टेस्ट केवल केवल कौन देते हैं, कीटोन देते हैं, एल्डिहाइड नहीं देते, तो हो गया सेपरेट, हो गया डिस्टिंग्विश। क्वेश्चन नंबर एट, नेम द प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ लैक्टोज, हाइड्रोलिसिस ऑफ लैक्टोज का मतलब क्या होता है, ब्रेकिंग ऑफ लैक्टोज, मतलब जब हम लैक्टोज को तोड़ते हैं ना, ब्रेक करते हैं, तो लैक्टोज को तोड़ने पर क्या निकलता है, तो लैक्टोज को जब भी आप तोड़ोगे तो दो अलग अलग आपको मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, एक तो आपको मिलेगा ग्लूकोज और एक आपको क्या मिलेगा जी, गैलेक्टोज, और इन्हीं दोनों के मिलने से लैक्टोज बनता है। तो अगर इन दोनों के मिलने से लैक्टोज बनता है तो जब टूटेगा तो ये दोनों तो मिलेंगे, सिंपल सी बात है, कौन से रॉकेट साइंस के अंदर, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका इसके अंदर, ग्लूकोज और गैलेक्टोज, बात समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है जी, बढ़ते हैं लास्ट सेट की तरफ, ये हमारा लास्ट सेट है, सेट नंबर एट, और इसके बाद में जो क्वेश्चन आंसर जो सीरीज था हमारा वो खत्म हो जाएगा यहाँ पे। थोड़ा सा ब्रेक ले लीजिए वीडियो को पॉज करके, फिर अपन आते हैं लास्ट सेट में। ओके, सब लोग फ्रेश हो गए होंगे, बिल्कुल बढ़िया से, एक घंटे हो चुके हैं, लेकिन कोई बात नहीं, कितने घंटे हो जाए टॉपिक हम पूरा कवर करेंगे, जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सबकी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमको एग्जाम के साथ में रिस्क नहीं लेना है। ओके, स्टार्ट करते हैं, चलिए जी पहले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये क्वेश्चन अपन ने पहले किया भी है, देखो वापस से इन लोगों ने छाप दिया, गवार लोग, ठीक है, अब छाप दिया तो कर लेते हैं, क्या प्रॉब्लम है। तो पहला क्वेश्चन आपका ये वाला है, ऊपर वाला नहीं, द रिक्वायर्ड चार्ज ऑफ डिपॉजिटिंग वन इक्विवेलेंट वेट ऑफ सिल्वर एट कैथोड विल बी, तो देखिए वन मैंने आपको बताया था, जो आपका वन इक्विवेलेंट वेट होता है, वन इक्विवेलेंट जो वेट होता है उसको वन फेराडे चार्ज चाहिए, सुनना ध्यान से, दोबारा बता रहा हूं, वन इक्विवेलेंट वेट को हमेशा वन फेराडे चार्ज चाहिए, ये फिक्स है, इसमें कोई चेंज नहीं है। और वन फेराडे की वैल्यू कितनी होती है जल्दी बताओ, 96500 कूलम्स होती है। अगर मैं इसको पॉइंट्स में लिखना चाहूं तो कैसे लिखूंगा, 9.65 into 10 to the power
एक दो तीन चार, टेन टू पावर फोर कूलम्स। किससे मैच कर रहा बताओ? बी वाले से मैच कर रहा है, तो आ गया आंसर। मतलब इतने ज्यादा, मतलब चिंदी क्वेश्चंस मैंने कभी नहीं देखे जितना मुझे इसमें देखने को मिल रहा है, और कई लोगों से ये भी सॉल्व नहीं होता बताओ। तो मतलब इतना आपकी तैयारी इतनी वीक नहीं होनी चाहिए। मेरा कहने का मतलब है कि तैयारी आपकी इतनी स्ट्रांग रहोगी, इतनी चिंदी क्वेश्चन तो कम से कम हो ही जाए, है ना। और जिनको चिंदी सुनने में बुरा लग रहा है माफ कीजिएगा मेरे को, लेकिन क्या करें, कभी कभी हो जाता है। क्वेश्चन नंबर टू, इफ वॉल्यूम ऑफ कंटेनर बिकम्स ट्वाइस, अगर आपने कंटेनर का वॉल्यूम ट्वाइस कर दिया और अगर उस कंटेनर में ये वाली रिएक्शन चल रही है, तो रेट ऑफ रिएक्शन में क्या फर्क पड़ेगा? तो रेट ऑफ रिएक्शन पे सिंपल सा फर्क क्या पड़ेगा, जल्दी बताइए। इट विल बी बिकम एट्थ पार्ट ऑफ इनिशियल रेट, वो इनिशियल रेट का एट्थ पार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब जिनको ये चीज समझ में नहीं आई है छोड़ दो, रहने दो, क्वेश्चन को काट दो जिनको समझ में नहीं आया, क्योंकि समझाने का टाइम नहीं है। हालांकि है इजी, लेकिन वो पूरा आपको पूरा मैथड समझाना पड़ेगा, तो छोड़ दो। जो चीज मैं छोड़ने बोल रहा हूँ छोड़ दो, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है उसमें। तीसरा देखिए, ये रिएक्शन आपको दे रखी है, आपको इसका रेट इक्वेशन लिखनी है, वो भी कौन सी वाली, इंस्टेंटेनियस वाली, इंस्टेंटेनियस। और जनरली इंस्टेंटेनियस लिखने को आती है ना, ध्यान रखना इस चीज को। यहाँ पे लिखा हुआ इंटीग्रेटेड, लेकिन आपको लिखनी है इंस्टेंटेनियस, क्योंकि उसी फॉर्मेट में चारों ऑप्शन है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे मैच करवाऊँ आपको, तो ये मैच कर रहा है हमारा, किससे मैच कर रहा है जी, किससे मैच कर रहा है, किससे मैच कर रहा है, ये मैच कर रहा है हमारा, जो किससे मैच नहीं कर रहा भाई, ये क्या मजा आ गया। बी वाले से मैच करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे मिसप्रिंट कर दिया, यहाँ पे माइनस आएगा और यहाँ पे आ जाएगा आपका आई टू, बी वाला हो जाएगा। बस थोड़ा सा करेक्शन कर लेना इसको, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच मेटल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स ओर बाय इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड, तो इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड से अपन इनमें से कौन सा मेटल उसके ओर में से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, तो बहुत ही सिंपल है, दैट इज एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम के बहुत सारे ओर होते हैं, बॉक्साइट होता है, ठीक है ना, क्रायोलाइट होता है ना, दुनिया भर के होते हैं, तो याद रखना इसको। द मिक्सचर यूज्ड इन होम सिग्नल्स, ठीक है ना, जो जो आपके होम सिग्नल्स होते हैं उनमें, इनमें से किसका मिक्सचर, कौन से कंपाउंड का मिक्सचर यूज किया जाता है, तो मैंने आपको बताया था कैल्शियम कार्बाइड और कैल्शियम फॉस्फाइड का। या अपन ये क्वेश्चन अपने पहले भी किया है फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर, तो चेक कर लेना प्रीवियस पार्ट के अंदर, मिल जाएगा आपको। क्वेश्चन नंबर सिक्स देखो, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड एक्स, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड एक्स हैविंग CHO कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन पजेसेस अ प्लीजेंट ओडर विद बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 78 डिग्री सेंटीग्रेड। तो मतलब एक ऑर्गेनिक कंपाउंड एक्स जिसके अंदर कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, इसका ऑर्डर भी जो है प्लीजेंट है, सुगंधित है, मतलब ज़्यादा चुभता नहीं है नाक के अंदर, और बॉइलिंग पॉइंट कितना है 78 डिग्री सेंटीग्रेड। तो महानुभाव ये बताइए कि इन चारों में से वो कौन सा कंपाउंड है। तो बहुत ही सिंपल है जी, ऐसा एक ही कंपाउंड है जो जो प्रेजेंट ऑर्डर का होता है और जिसका बॉइलिंग पॉइंट 78 डिग्री होता है, एल्कोहल। ठीक है, तभी तो लोग पीते हैं, वरना क्यों पीते। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर्मेल्डिहाइड ऑन हीटिंग विद KOH, अगर फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्शन आपने KOH से करवा दी तो क्या होगा, मीथेन बन जाएगा। और मीथेन क्यों बनेगा, जल्दी बताइए, क्योंकि यहाँ पे अपन कौन सी रिएक्शन परफॉर्म कर रहे हैं बताइए, यहाँ पे हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं रिडक्शन रिएक्शन, है ना, इसलिए मीथेन बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आठवां, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एल्डोहेक्सोज, अपन ने कीटो हेक्सोज और एल्डोहेक्सोज दोनों पढ़ा है एल्डिहाइड वाले चैप्टर के अंदर, तो अपने नोट्स को रिवाइज कीजिए। तो इनमें से कौन एल्डोहेक्सोज है, तो सिंपल सी बात है, ग्लूकोज और कौन होगा, ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में देखो एल्डिहाइड ग्रुप होता है, दैट्स व्हाई इट इज एन एल्डो हेक्सोज। ठीक है ना, दिक्कत नहीं आनी चाहिए बिल्कुल भी, सब पढ़ी हुई चीजें हैं। नाइन्थ देखो, द नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर्स फॉर कॉम्प्लेक्स, इस कॉम्प्लेक्स के पॉसिबल आइसोमर्स कितने हैं। अब चाहो तो इस क्वेश्चन को छोड़ सकते हो, बाकी जितना बड़ा कंपाउंड होता है, जितना बड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, उतने ही ज्यादा उसका आइसोमर बनते हैं, तो सबसे हाईएस्ट नंबर यहाँ पे 4 है, तो 4 इसका आंसर हो जाएगा। बाकी मैं तो ये सजेस्ट करूंगा छोड़ दो उसको, ज्यादा माथापोड़ी नहीं करनी इसमें।
चलिए क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर वन, एच एंड एच बॉन्ड एंगल इन अमोनिया इज, तो अमोनिया के अंदर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड एंगल क्या होता है, ये याद रख लो इंपॉर्टेंट है ये, वो होता है 106 डिग्री 25 मिनट्स, 106 डिग्रीज और 25 मिनट्स। अ कैटलिस्ट इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन बाय, इंक्रीज या डिक्रीज, जल्दी बताइए, डिक्रीज। अगर आपने कैटलिस्ट डाल दिया किसी रिएक्शन के अंदर तो वो उसके एक्टिवेशन एनर्जी को क्या कर देगा जी, डिक्रीज कर देगा, तभी तो रिएक्शन जल्दी होगी। सिंपल सा लॉजिक है भाई, लगा लो। अगर कैटलिस्ट अपन क्यों डालते हैं, ताकि रिएक्शन हमको जल्दी मिले, फास्ट मिले, तो कैटलिस्ट करता क्या है, ऐसा वो उस रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है। क्वेश्चन नंबर थ्री, गैलेना, अभी मैंने आपको बताया था कि गैलेना जो होता है वो और होता है किसका, लेड का, पीबी का फॉर्मूला क्या होता है इसका, पीबीएस, लेड सल्फाइड। तो गैलेना जो है वो यूज करते हैं हम लोग लेड निकालने के लिए। क्वेश्चन नंबर फोर, हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर मॉलिक्यूल, अगर आपने ईस्टर मॉलिक्यूल का हाइड्रोलिसिस किया तो क्या क्या मिलता है, क्या क्या मिलता है, जल्दी बताओ। हमको दो चीजें मिलती है जी, एक तो हमको मिलता है एल्कोहल और एक हमको मिलता है जी कार्बोक्सिलिक एसिड। अब याद कीजिए वो दिन, सब लोग ध्यान से सुनिए, याद कीजिए वो दिन जब हमने पढ़ा था एस्टरीफिकेशन, और एस्टरीफिकेशन का मतलब क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ एस्टर, और एस्टर कैसे बनता है, एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड के एडिशन से। तो ऑब्वियस सी बात है, जब एस्टर को तोड़ोगे तो मिलेगा क्या, एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड, वही ये पूछा है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन वाला जो है स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हमको उससे ज्यादा स्मार्ट बनना है ताकि हम आंसर कर सकें, गधा मजदूरी नहीं करनी है, कुल मिला के बात यह है। चलिए जी क्वेश्चन नंबर वन देखते हैं, वेरी शॉर्ट वाले का। फॉर अ रिएक्शन ए प्लस बी से पी, द रेट लॉ इज गिवन बाय आर, रेट लॉ दे रखा आपको ये रहा, विच व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, अब इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या है, ऑर्डर आपको बताना है। तो अगर हम ऑर्डर की बात करें तो ऑर्डर के लिए अपन क्या करते हैं, अपन ऑर्डर कैसे निकालते हैं, जल्दी बताओ। जब भी हमको रिएक्शन का ऑर्डर निकालना होता है तो हम लोग ऐड कर देते हैं पावर्स को, एडिशन ऑफ पावर्स। तो पावर्स को आप ऐड कर दो, आपको ऑर्डर मिल जाएगा। तो पावर्स क्या क्या, जल्दी बताइए। एक तो हमारे पास में पावर 1/2, देखो ये रहा जिसको नहीं दिख रहा हो, और एक हमारे पास 2, तो 1/2 + 2 एलसीएम लिया तो 2 आ गया, तो 1 + 2 नहीं, 1 + 2 क्यों करना है, एक सेकेंड रुको, एलसीएम क्यों लेना है, सिंपल सी मैथ जब हो रही है, 2 × 2 = 4, 2 × 2 = 4 और 1 = 5, तो 5/2 आ गया ना, क्या इसमें एलसीएम लेना, 5/2, आंसर विल बी 5/2, तो ऑर्डर क्या हो गया 5/2, जिसको मैथ्स आती है वो कर ले जाएगा, सिंपल सी बात है, बस बहाने मत करना कि हम बायो वाले हैं। चलिए ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ H2S2O8, ठीक है ना, H2S2O8 इसका स्ट्रक्चर हमको ड्रॉ करना है। पहले तो इसका नाम समझ लो आप, इसको हम कहते हैं परोक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड, इसका नाम जरूर याद रखना, लिख रहा हूं मैं यहां पे, परोक्सो डाई सल्फ्यूरिक एसिड। स्ट्रक्चर भी देख लो, अब इतना खर्चा कर ही लिया है तो एस डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड ओ, और यहाँ पे ओ एच, परोक्साइड लिंकेज है बीच में जिसकी वजह से नाम आया परोक्सो, एस डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड ओ और यहाँ पे ओ एच। तो दिस शुड बी योर स्ट्रक्चर फॉर H2S2O8। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन, ठीक है जी कर देते कंप्लीट। Fe3+ जो है SO2 से भी रिएक्ट कर रहा है और पानी से भी रिएक्ट कर रहा है, तो करने दो जी रिएक्शन। जब आपका SO2 से रिएक्ट कर रहा है तो Fe3+ बना देगा Fe2+ इलेक्ट्रॉन को गेन करके, और SO2 बन जाएगा आपका SO4-, और क्या बनाएगा आपका 4H+ बन जाएंगे। तो यहाँ पर एक्चुअली क्या हो रहा है, Fe का यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है,
तो ये आपसे पूछना चाह रहा था, ये इस रिएक्शन को देने का मतलब ये था कि रिएक्शन जो है वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है कि रिड्यूसिंग रिएक्शन है, तो ये एक रिडक्शन वाली रिएक्शन है। हाउ वुड यू कन्वर्ट इथेनॉल टू इथीन, पता नहीं कितनी बार तो हमने किया होगा। इथेनॉल को यानी कि एल्कोहल को अगर आपको एल्कीन में कन्वर्ट करना है तो अपन कैसे करते हैं, जल्दी बताइए, तुरंत आंसर आना चाहिए। हम लोग उसके अंदर डाल देते हैं, जैसे सपोज को हमारे पास इथेनॉल है C2H5OH, और आप चाहते हो कि मैं इसको इथीन में कन्वर्ट करूँ यानी कि CH2 डबल बॉन्ड CH2 में, तो कुल मिला के आपको डालना है कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 और 443 केल्विन टेम्परेचर, बस काम खत्म। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं जी, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ऊपर क्यों नहीं हो रहा, हाँ हो गया। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ 2,6-डाइमिथाइल फिनॉल, ठीक है ना, 2,6-डाइमिथाइल फिनॉल। तो देखिए बनाते हैं इसके स्ट्रक्चर को, तो पहले तो आप फिनॉल ही बना लो, मिथाइल देखेंगे अभी बाद में। दिस इज योर फिनॉल, ठीक है, सेकेंड पोजिशन पे ये रहा एक फिनाइल, और सिक्स पोजिशन ये रही आपकी, तो ये दूसरा फिनाइल मैं सॉरी मिथाइल, तो ये बन गया आपका 2,6-डाइमिथाइल फिनॉल, है ना। देख लेना ध्यान से, दिस इज वन पोजिशन, दिस इज टू पोजिशन, दिस इज थ्री, दिस इज फोर, फाइव और ये छः, ठीक है, तो हमने बिल्कुल सही स्ट्रक्चर बनाया है। आगे बढ़ते हैं जी, आगे बढ़ गए, आगे बढ़ गए जी, हाँ आगे बढ़ गए अपन क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो क्वेश्चन क्रमांक 6 क्या बोल रहा है, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी इन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। अरे वाह, तो पहला कंपाउंड हमारे पास में इथेनल, दूसरा है प्रोपेनल, फिर प्रोपेनॉन और ब्यूटेनॉन, तो यहाँ पे जो जंग है वो एल्डिहाइड कीटोन के बीच में है, कुल मिला के बात ये है, ठीक है। तो जब भी हम लोग न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की बात करेंगे तो सबसे बड़ा कीटोन सबसे लास्ट में आएगा, मतलब अगर मैंने इसको 1 नंबर दिया, सपोज करो इसको 2 नंबर दिया, इसको 3 नंबर दिया, उसको मैंने 4 नंबर दिया, ध्यान देख लेना, तो सबसे कम रिएक्टिविटी किसकी होगी, 4 वाले की, सबसे बड़ा है ना वो, उससे कम किसकी होगी, उससे कम होगी 3 वाले की, उससे कम किसकी होगी, उससे कम होगी जी 2 वाले की, और सबसे ज्यादा किसकी होगी, 1 वाले की, बस यही ऑर्डर आपको ध्यान रखना है, जितना छोटा साइज उतना जल्दी रिएक्ट करता है, और वैसे भी एल्डिहाइड की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है कीटोन से, है ना, तो ये सारी बातें आप ध्यान में रखोगे ना दिमाग में तो हो जाएगा क्वेश्चन, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बस डरना नहीं है आपको, थोड़ा सा बस आंखें बंद करके 2-3 सेकंड के लिए आंखें बंद करना है और याद करना है कि आपने क्या पढ़ा, ठीक है ना। अगर आपने सच्चे मन से मेहनत की है ऑनेस्टली तो आपको रिजल्ट मिलेगा और एग्जामिनेशन हॉल में ही मिलेगा, जिससे आपको पेपर अच्छा जाएगा, तो अपने आपको इस हिसाब से आपको मोटिवेट करके रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 के हम बात कर लेते हैं, जो कि यहाँ पे बोल रहा है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ अपना बेसिक स्ट्रेंथ। और मैंने आपको भी बताया था कि कोई सा भी ऐसा एमीन अगर आपको मिल गया जिसके नाइट्रोजन के साथ में केवल मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो उसके लिए जो ट्रिक अपन ने क्या सोचा था, अभी 213 अभी देखा था जस्ट अपन ने, यानी कि पहले 2 डिग्री उससे ज्यादा होता है 1 डिग्री, ठीक है ना, और उससे ज्यादा क्या होता है, जल्दी बताइए, सॉरी मैंने उल्टा कर दिया, सॉरी सॉरी एरो उल्टा लगा था, 2 डिग्री से कम होता है 1 डिग्री, उससे कम होता है 3 डिग्री, सबसे कम कौन सा होता है, अमोनिया। तो ये ऑर्डर अपने जस्ट अभी डिस्कस किया ही था इससे पहले वाला शायद सेट के अंदर, तो देख लेना इसको, तो 200 से ट्रिक याद रखना। वॉट इज मेंट बाय रिड्यूसिंग शुगर्स, 2 शुगर्स होते हैं जो रिड्यूसिंग नेचर के होते हैं, एक तो होता है आपका ग्लूकोज और एक होता है जी आपका फ्रक्टोज, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, ठीक है ना, और इनको हम रिड्यूसिंग शुगर क्यों बोलते हैं बताइए जल्दी से, क्योंकि 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 दे कैन रिड्यूस हु, टॉलरेंस रिएजेंट। तो जो भी शुगर टॉलरेंस रिएजेंट को रिड्यूस कर देगा उसे अपन क्या बोलेंगे, रिड्यूसिंग शुगर बोल देंगे, ठीक है, आगे बात समझ में। चलिए जी, तो ये हमारा लास्ट सेट था, और इसी सेट के साथ ही हमारा जो
क्वेश्चन आंसर सेशन है 1 मार्क वाले वो यहाँ पे होते हैं खत्म। ठीक है, तो वीडियो को हम यहीं पे पॉज करते हैं और कुछ अगर एक्स्ट्रा और करवाना होगा तो मैं ज़रूर करवाऊंगा और आज ही वीडियो पोस्ट कर दूंगा, देख लेना। कल अब टाइम तो बचा नहीं आपके पास, मैं कल का ही देना है बस। तो मेरी तरफ से एडवांस में आप ऑल द बेस्ट ले लीजिए, बस पेपर अच्छे से करके आइएगा और पेपर अच्छा अगर जाए तो हमें बताइएगा ज़रूर। ठीक है जी, चलिए, थैंक यू सो मच, पढ़ते रहिए, थोड़ा रेस्ट कर लीजिए और हो सके तो रात काफ़ी हो गई है, थोड़ा सा आप नींद भी ले सकते हैं और वापस से तैयारी में लग जाइए। अब केवल रिवीजन करना है और कुछ नहीं करना है। ओके, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।